देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,516 नए केस सामने आए हैं, वहीं 501 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,37,146 है। जानिए आज देश में कोरोना की ताज़ा स्थिति क्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर आज 3,44,14,186 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,37,416 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,62,690 हो गई है। देश में लगातार 35 दिनों से कोविड 19 के दैनिक मामले 20,000 से कम हैं और 138 दिनों में 50,000 से कम नए दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल मामलों का करीब 0.40% है। ये दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक कुल 3,38,14,080 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि मृत्यु दर करीब 1.30% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 110 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 53,81,889 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 110 करोड़ 79,51,225 डोज दी जा चुकी है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।